रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस से डट कर मुकाबला कर रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सख्त कदम उठाया है। जेलेंस्की ने देश की सुरक्षा एजेंसी SBU के मुखिया और प्रोसिक्यूटर जनरल को उनके पद से हटा दिया है। इनके विरुद्ध यूक्रेन के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। जिन दो अधिकारियों को हटाया गया है उनके नाम है इवान बकानोव और इरियाना वेनेडिक्टोवा। देश के नाम संबोधन में जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारियों की ओर से संदिग्ध देशद्रोह और रूस की मदद करने और उसे भड़काने में 650 से ज्यादा मामलों की जांच की जा रही है। जेलेंस्की ने प्रोसिक्यूटर के ऑफिस और SBU के 60 से ज्यादा कर्मचारियों पर कब्जा वाले इलाकों में रहकर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में अपराध और यूक्रेनी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी और रूसी स्पेशल सर्विसेज के बीच कनेक्शन से संबंधित नेताओं पर बड़े गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। दो अधिकारी जिन पर कार्रवाई हुई है उसमें इवान बकानोव जेलेंस्की के बचपन के दोस्त हैं। 47 साल के बकानोव कभी उनकी एंटरटेनमेंट कंपनी चलाते थे और बाद में उन्होंने राष्ट्रपति अभियान में हिस्सा लिया। जब 2019 में जेलेंस्की ने चुनाव जीता तो वो देश के राष्ट्रपति बने और अपने दोस्त बकानोव को सीक्रेट सर्विस ऑफ यूक्रेन का मुखिया नियुक्त किया। उनकी इस नियुक्ति पर जमकर बवाल भी हुआ। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि बकानोव इस रोल के लिए अनफिट हैं। बता दें कि इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 5 देशों के राजदूतों को भी सस्पेंड कर दिया था। इधर यूक्रेन के शहरों पर रूस का हमला जारी है। सोमवार को रूस ने यूक्रेन पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी।